नमस्कार, अंग्रेजी के 4,940 कुल पद थे, जिनमें से 4,125 पद जो हैं वो नियुक्त हो चुके हैं, यानी कि 815 अभी नॉन टीएसपी वाले, और अंग्रेजी जो टीएसपी वाले हैं उनमें से 660 में से 441 फिल हो चुके हैं, यानी कि 219 यहाँ आने हैं, यानी 1,034 नए अभ्यर्थियों को अभी इसमें मौका मिलने वाला है। ये अंग्रेजी 2016 लेवल 2 वालों की जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ है। जनरल की 65.88 और ओबीसी की 64.25, एमबीसी की 62.63 और एससी वालों की 60.35 और फीमेल के लिए 59.52 और एसटी वालों की थी ऑल सिलेक्टेड। ये 2016 इंग्लिश नॉन टीएसपी वालों का रीजनल रिजल्ट जो था उसमें मेरिट इस प्रकार रही थी। जनरल की 65.38, ओबीसी 63.67, एमबीसी वालों की 62.15 और एससी वालों की 59.84 और फीमेल 59.03 और एसटी ऑल सिलेक्टेड। ये जो रिवाइज रिजल्ट आया था 25/1/18 को और उसके बाद रीजनल रिजल्ट आया था 20/8/18 को, जिनमें से दोनों मेरिटों का अंतर था। रीजनल रिजल्ट जो आया था इसमें नए 741 कैंडिडेट को मौका मिला था। जनरल की 0.50 मेरिट टूटी थी और ओबीसी वालों के 0.58, एमबीसी वालों के 0.48 और एससी वालों के 0.51। इस प्रकार 741 पदों के लिए ये मेरिट टूटी थी और इसमें 741 कैंडिडेट नए आए थे। अभी भर्ती आने वाली है लगभग 815 नॉन टीएसपी वालों के लिए और 219 टीएसपी वालों के लिए, लगभग 1,034 पदों के लिए ये भर्ती आ रही है। तो मान लो अगर 1,034 की 1.5 गुना होती है तो जहाँ 50 सीटें अगर वापस आती है जितनी इस भर्ती में आई थी 741, तो लगभग 0.50 है, वहाँ 70-80 तक घटने के चांस है। और ओबीसी वालों का 0.58 है तो लगभग 70 तक घट सकती है अगर सीटें यही रहती है तो। एमबीसी वालों के 48 है तो 48 से लेकर 60-70 तक, और एससी वालों की भी 0.70 तक, इस प्रकार पॉइंट्स में घट सकती है। उनकी जो 741 की लिस्ट थी वो आगे है। ये 741 जो नए कैंडिडेट आए थे जिनके लिए मेरिट डाउन हुई थी उसकी पूरी लिस्ट है, जिनके लिए 0.50, 58, 48 और 51 मेरिट घटी थी। सेम ऐसे ही आता है। अब रही बात डिस्ट्रिक्ट चेंज की, अगर सरकार पुराने भर्तियों नए वेटिंग वालों को लेती है और नॉन जॉइनर को, और उसके बाद नए ज़िले चेंज करती है, तो देख लीजिए आप जहां अब वर्तमान मेरिट से कितने ऊंचे हो। लास्ट जो 741 को लिया था तो उसमें कितने ऊंचे, उसके हिसाब से आपके ज़िले चेंज होने हैं। सभी के लिए शुभकामनाएँ, तो मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।